Second and lecture. सर माइक ऑन कर लें। हाँ माइक मैंने अब ऑन कर लिया है। गलती से लग गया। सेकंड पार्ट हम करने जा रहे हैं इस चैप्टर का, दैट इज अबाउट द जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सर ये पेज है आपका, पेज है आपके हैंड आउट का 26। अब इधर हम इस सेक्शन में क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट में हम ये करेंगे जो हमें गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, फर्स्टली हम उसको कैनोनिकल फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। अगर वो रिड्यूस फॉर्म ऐसी हो जिसका हम सोल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर कोई भी मेथड ऑफ सोल्यूशन हम लगा के उसे इंटीग्रेट करके जनरल सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। फाइन, तो इसमें दो पार्ट, आपको प्रीवियस पार्ट भी इस पार्ट का हिस्सा बन जाएगा। यहाँ इन एग्जांपल में तो उसने डायरेक्ट कैनोनिकल फॉर्म लिख दी है, लेकिन अगर आपको एग्जाम में करनी पड़ेगी तो फर्स्ट आपको गिवन इक्वेशन की कैनोनिकल फॉर्म बनानी है बाय आइडेंटिफाइंग कोएफिशिएंट ए बी सी। इसकी पहले वो टाइप चेक करनी है, टाइप चेक करने के बाद आपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइड बाई टू ए में वो वैल्यू ए बी सी की सब्सिट्यूट करके ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस को हल करना है। फर्स्ट ऑर्डर ओडी को हल करने के बाद आपको दो कैरेक्टरिस्टिक कर्व इन टर्म ऑफ फाइव वन इज इक्वल टू सी वन एंड फाइव टू इज इक्वल टू सी टू मिलेंगी। जब वो मिल गई तो उनमें से एक को फाई आपने कहना है, दूसरे को साई कहना है। तो फिर आपने जितने भी डेरिवेटिव गिवन है आपकी ओरिजिनल इक्वेशन के इन टर्म ऑफ एक्स वाई, उनको आपने ट्रांसफॉर्म करने इन टर्म ऑफ द न्यू इंडिपेंडेंट वेरी जो आपने यहाँ से कैलकुलेट की है कैरेक्टरिस्टिक कर्व से, उनकी मदद से एक्स वाई से आप एक्साई ईटा में इक्वेशन लेके आएंगे। एक्साई ईटा में जब इक्वेशन बन जाएगी फिर आप उसको आगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ऑन पेज 26 पे ये एक एग्जाम्पल जो पहली है ये हमें ये कह रही है कि रिड्यूस द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू इट्स कैनोनिकल फॉर्म एंड एडिशनली ऑब्टेन इट्स जनरल सॉल्यूशन। तो दो पार्ट इस एग्जांपल में है, रिड्यूस द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि प्रीवियसली हम ये थोड़ा सा इसका एक पार्ट कर भी चुके हैं, यू एक्स फोर यू एक्स एक्स प्लस फाइव एक्स वाई एग्जाम्पल वन पेज 26 पे। तो दो पार्ट होंगे इस, एक पार्ट ये है कि कैनोनिकल फॉर्म आपने बनानी है, दूसरा पार्ट इसका जनरल सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ जाहिर है आपने सबसे पहले इसमें हम ये एग्जांपल ऑलरेडी कर चुके हैं, ए की वैल्यू फोर बी की वैल्यू फाइव एंड सी इज इक्वल टू वन। तो यहाँ से आप जब कैरेक्टरिस्टिक्स
इक्वेशंस के अंदर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बी प्लस माइनस डी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइड बाई टू है, जो कि आपको यहाँ आएंगे इस इक्वेशन को हल करेंगे तो आपको एक वाई माइनस एक्स सी वन मिलेगी एंड दूसरी वाई माइनस एक्स वाई फोर सी टू करेक्टरिस्टिक कर्व्स इन सॉल्यूशन की वैल्यू ए बी सी की जब पुट करेंगे फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डर को हल करेंगे तो यहाँ से आप एक ट्रांसफॉर्मेशन एक वाई डिफाइन करेंगे वाई माइनस एक्स और दूसरा आप ईटा डिफाइन करेंगे वाई माइनस एक्स फोर। सो यूजिंग दीज ट्रांसफॉर्मेशन आपने अब इस जितने भी डेरिवेटिव यू एक्स एक्स एस को ट्रांसफॉर्म करना है, यू वाई वाई को यू एक्स वाई यू वाई को यू एक्स वाई को यू एक्स एक्स यू वाई वाई को ये सारे डेरिवेटिव यहाँ से ये कैलकुलेट आपने करने हैं फाइन। और पुट करने के बाद जब आप इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में तो आपके पास जो फॉर्म बनी है हम लास्ट लेक्चर में ये कैलकुलेट कर चुके हैं यू एक्स आई ईटा इज इक्वल टू वन बाई थ्री यू ईटा माइनस एट माइनस यहाँ तक हमने कल वाले लेक्चर में किया था। ये आपकी गिवन इक्वेशन की कैनोनिकल फॉर्म। अब ये इक्वेशन इज मच सिमिलर एज कम्पेयर टू द ओरिजिनल वन। इसको अब हल करने की कोशिश करेंगे आपकी अगर इसमें देखें तो यू एक्साई यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ईटा सॉरी यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दोनों टर्म में है तो यहाँ अगर आप ये ट्रांसफॉर्मेशन से रिड्यूस कर दें यू सब ईटा इज इक्वल टू डब्ल्यू तो ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर बन जाएगी डब्ल्यू एक्साई इज इक्वल टू वन बाई थ्री डब्ल्यू माइनस एट बाई नाइन एंड डब्ल्यू एक्स आई माइनस वन बाई थ्री डब्ल्यू इज गुड माइनस नाइन बाई एट। सो इफ वी लुक एट दिस इक्वेशन दिस इज ए फर्स्ट ऑर्डर ओडी नॉन होमोजेनियस तो इसको फर्स्ट ऑर्डर ओडी की मदद से हल करेंगे। एक दफ़ा इंटीग्रेशन परफॉर्म इंटीग्रेटिंग फैक्टर से आसान होता है जब आपकी नॉन होमोजेनियस इक्वेशन हो तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट किया है इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इसे हल किया है यू मे गेट सॉल्यूशन। इसे आप आईडी कोड के कर लेंगे इसमें इतना मुश्किल नहीं है। आगे बढ़ते हैं एग्जांपल टू की तरफ वो थोड़ी सी ज़ाहिर है उसमें कुछ और भी चीज़ें एक जनरल सॉल्यूशन निकालना है पहले कैनोनिकल फॉर्म बनानी है फिर उसके बाद उसका जनरल सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है। जनरल सॉल्यूशन के बाद कुछ हमें इनिशियल कंडीशन के बने इंटर्म ऑफ काशी डेटा या इनिशियल डेटा या इनिशियल कंडीशन एक ही दो ये सबके एक ही नेम है डिफरेंट नेम है एक ही चीज़ के इनिशियल कंडीशन को काशी कंडीशन भी कहते हैं काशी डेटा भी कहते हैं उनको यूज़ करते जो आपके जनरल सॉल्यूशन के अंदर आर्बिट्री फंक्शन आएंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हो सॉल्व करते हो जो आपका जनरल सॉल्यूशन दैट कंटेन आर्बिट्ररी फंक्शन तो उन आर्बिट्ररी फंक्शन को आप एलिमिनेट करोगे तो आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलेगा। यहां एग्जांपल टू की तरफ जाते हैं दैट इज गिवन ऑन पेज 28 Excuse me, sir. जी सर इसकी सब्स्टिट्यूशन बैक फिर किस तरह से करेंगे? बैक इस तरह करेंगे जो आपका मैं बता देता हूँ जो आपका जनरल सॉल्यूशन आ गया ना इधर चलो इधर इसको आपने हल किया तो इसका सॉल्यूशन एक्साइटा में ये आ जाता है यू ऑफ एक्साइटा फाइन। बैक सब्स्टिट्यूशन इसको एक दफ़ा आप इंटीग्रेट करोगे तो आपका सॉल्यूशन डब्ल्यू में यहाँ जो सॉल्यूशन आएगा फिर वहाँ ये ट्रांसफॉर्मेशन यू ईटा लगाओगे बच्चे यू ईटा लगाओगे फिर आपको एक फर्स्ट ऑर्डर ओडी इन टर्म ऑफ ईटा में मिलेगी यू ईटा की फॉर्म में उसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको ये मिलेगा। ये तो समझ आ गई है ठीक है ये समझ आ गई है ना। फिर जो आपका सोल्यूशन ईटा एक्साई में आएगा वो सोल्यूशन इस तरह है 8 बाई नाइन ईटा प्लस 1 बाई थ्री जी ऑफ ईटा इंटू एक्सपोनेंशियल एक्साई बाई थ्री प्लस एफ ऑफ ये एफ एंड जी दोनों आर्बिट्ररी फंक्शंस हैं तो यहाँ आप जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन थी ओरिजिनल ट्रांसफॉर्मेशन ये वाली एक्साई इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स ईटा इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स बाई फोर इधर जस्ट रिप्लेस कर देना है आप
ठीक है, तो यहाँ आपका ईटा बन रहा है 8/9, तो इसकी जगह आप y माइनस एक्स बाई फोर रिप्लेस कर दोगे, इधर 3 1/3 और जी ऑफ y माइनस एक्स बाई फोर एक्सपोनेंशियल ऑफ ये 1/3 से बाहर लिख दिया y माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ y माइनस एक्स। तो ये सब सिचुएशन आपने बैक करनी है इधर, ये जस्ट लेफ्ट साइड पे नोटेशन है, आपने उधर सिंपल यूज एनी फंक्शन ऑफ एक्स वाई लिखना है। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट है, आंसर है, ऐसे करना है। ठीक है, एग्जाम्पल टू में है कि आपको इस म्यान में तीन पार्ट आपने करने हैं। तीन पार्ट कैसे बन रहे हैं? पहला है कि रिड्यूस दी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच इज ए वेव एंड मिशन वेव बिटवीन यू एक्स एक्स इज इक्वल टू 1/c² यू टी टी इंटू इट्स कैनोनिकल फॉर्म पहला पार्ट एंड एडिशनली ऑब्टेन इट्स जनरल सॉल्यूशन विद इनिशियल कंडीशन में लिख देता हूँ इनिशियल कंडीशन और व्हाट आर द इनिशियल कंडीशन यू ऑफ एक्स कॉमा 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड पार्शियल यू बाय पार्शियल टी ऑफ एक्स कॉमा 0 इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। तो ये पार्ट यहाँ तक आपका पहला पार्ट है कैनोनिकल फॉर्म का, ये आपका से जनरल सॉल्यूशन है दूसरा पार्ट है, और इन कंडीशन को यूज़ करते हुए एक आपने पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है जो कि तीसरा पार्ट है। तो ये आपकी वेव इक्वेशन है, वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन है। वेव इक्वेशन के अंदर जो यू होता है यूजुअली डिनोटिंग द डिस्प्लेसमेंट वेव का, ठीक है, और इसका मतलब है ये आपकी जो पहली कंडीशन फिजिकली क्या बताती है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इज गिवन टू यू एज ए फंक्शन ऑफ एक्स और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल गिव यू वेलासिटी। तो ये आपको इनिशियल डिस्प्लेसमेंट पहली कंडीशन देती है, दूसरी कंडीशन आपको वेलासिटी देती है। इनिशियल वेलासिटी इज ए फंक्शन ऑफ अगेन फंक्शन ऑफ सम फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। इस इक्वेशन को जब आप करेंगे, अब यहाँ देख लें इससे पहले जो भी हमने इक्वेशन स्टडी की है, एक एक्स वेरिएबल होता है, दूसरा यहाँ वाई नहीं है टी है, इट मीन दैट यू डिपेंडेंट है और एक्स और टी इंडिपेंडेंट है। तो वाई को टी ने रिप्लेस कर दिया है ना, वाई इज इक्वल टू टी या वाई इज गोइंग टू रिप्लेस टी। तो इस इक्वेशन को आप कहीं से इस तरह आप लिख सकते हैं। अब इक्वेशन आपने जब लिखनी है सारी टर्म आप लेफ्ट साइड पे ला के तब आइडेंटिफाई करेंगे एक्स व ए बी सी, अगर उस तरह नहीं करेंगे तो थोड़ा सा एरर आ जाएगा आपकी कैलकुलेशंस में। सो मैं लिस्ट को इधर लेके आऊँगा तो मेरे पास ये इक्वेशन मिलेंगे। एक बच्चा इस टर्म को राइट साइड तरफ लेके जाता है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता वो, ठीक है। तो यहाँ से आप आइडेंटिफाई करेंगे थे वैल्यू ए एक वन है, मिक्स डेरिवेटिव कहीं भी अब में नज़र नहीं आ रहा, और वैल्यू दूसरा जो है उसकी -1/c² है। सो इफ आई प्लग इन द वैल्यू इन द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन आई विल बी गेटिंग 4/c² व्हिच इज ए पॉजिटिव एंड डेफिनेटली पॉजिटिव मीन योर इक्वेशन इज हाइपरबोलिक। अब आपकी यहाँ y नहीं है t है, तो इसका मतलब है आपकी जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी dt/dx इज इक्वल टू b± b² - 4ac/2। इधर आप ए बी सी की वैल्यू पुट करेंगे, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में से आप ऐसे हल करेंगे फर्स्ट ऑर्डर ओडी को, तो एक आपको सॉल्यूशन मिलेगा x+ct इज इक्वल टू सम कांस्टेंट c1 कैपिटल c1 कह दे से मिक्स नाउ ये स्मॉल c1 x-c2 इज इक्वल टू कैपिटल c2। सो लेट c1 टू बी xi एंड c2 बी ईटा दैट आर द डिजायर्ड ट्रांसफॉर्मेशन दैट विल रिड्यूस
तो आपके एक्साई हो गया एक्स प्लस सी टी और ईटा आपका हो गया एक्स माइनस सी। तो ये आपकी डिजायर ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि वन को कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेगी। तो आपने क्या करना है, आपकी इनके डेरिवेटिव कैलकुलेट करके तो इन डेरिवेटिव को आपने एलिमिनेट करना है, यू टी टी कैलकुलेट करना है, यू एक्स एक्स कैलकुलेट करने के बाद आपने ओरिजिनल इक्वेशन में ये चीज़ें सब्स्टिट्यूट करनी है। सो आफ्टर यूजिंग दिस वैल्यू हमें जहर रहिए, हम कल किया हुआ था आर्टिकल, इसको डिटेल से कैलकुलेशन आप घर पे कर सकते हैं। आपको जो इक्वेशन मिलेगी जीरो एंड दिस इक्वेशन जो इसे हम से टू का नाम दे दें, दिस इज दी कैनोनिकल फॉर्म ऑफ वन डी वेव इक्वेशन। ठीक है, यू एक्स एक्स इज इक्वल वन बाई सी स्क्वायर यू टी टी को कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया था हमें इस इक्वेशन टू से नजर आ रहा है कि दिस इज सिंपलर एज कम्पेयर टू द ओरिजिनल। अब इसको दो दफे इंटीग्रेशन करें, एक दफा विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई करें, दूसरा विद रिस्पेक्ट टू ईटा करें, वी विल गेट द जनरल सॉल्यूशन। सो इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू, फॉर एग्जांपल हम करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ईटा, तो हम यू एक्स आई डेरिवेटिव बचेगा, ईटा खत्म हो जाएगा, तो आपको फंक्शन मिलेगा एफ ऑफ एक्स आई। इसको अगेन इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट नाउ विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई, तो एक्स आई से इंटीग्रेशन करेंगे आपको मिलेगा यू ऑफ एक्स आई कमा ईटा इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स आई डी एक्स आई प्लस एफ ऑफ ईटा। ठीक है, इसे एफ ना दें, कुछ और कह दें, साई डायरेक्ट ही कह दें। अब इस फंक्शन को जब भी आप इंटीग्रेशन करेंगे, तो अगर ये फंक्शन हमें नॉन हो तो वट एवर मै दिस में भी दिस इज सम फंक्शन ऑफ एक्स आई आएगा और ये आपका दूसरा फंक्शन ऑफ ईटा आएगा। मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट स्लाइड्स, तो इट मीन दैट यू आर एक्स आई ईटा फाई ऑफ एक्स आई साई ऑफ ईटा। हाँ जी, प्रीवियस स्लाइड वाले देख लो। ठीक है सर, इससे पिछले वाली ये ओके सर। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ अब आपने बैक सब्स्टिट्यूशन करनी है एज एक्स आई इज इक्वल एक्स माइन एक्स माइनस सी एक्स प्लस सी टी है ना, एक्स प्लस सी टी और ईटा इज इक्वल टू एक्स माइनस सी टी। यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे और जनरल सॉल्यूशन नाउ लुक्स लाइक, ठीक है, इधर नोटेशन है, इधर यू ऑफ एक्स टी लिखना है आपने, तो फाई ऑफ एक्स प्लस सी टी प्लस आई ऑफ एक्स माइनस सी टी। सो ये आपको जो है जनरल सोल्यूशन ऑफ द बिहेवियर की दिस विल प्ले एज ए रोल ऑफ जनरल सोल्यूशन ऑफ यर बिहेवियर की। ठीक है, अब हमने पर्टिकुलर सोल्यूशन की तरफ जानना है बाय यूजिंग द अबव कंडीशंस। ठीक है, सो अगर मैं कंडीशन को लिखूं दोबारा, तो वो एक कंडीशन आपके पास फंक्शन पे गिवन है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है, दूसरी कंडीशन आपके डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन पे गिवन है। इट मीन दैट एक दफ़ा व्हेन टी इज इक्वल टू जीरो वैल्यू ऑफ यू, इधर ये सब्स्टिट्यूट करेंगे पहली वाली, तो यू कैलकुलेट यू एक्स कमा जीरो फाई ऑफ एक्स प्लस टी को मैंने जीरो से रिप्लेस करना है। अब इसकी वैल्यू ये है, ना उठा के रख देनी है, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स प्लस साई ऑफ एक्स। पर्टिकुलर सॉल्यूशन अब हम ज़ाहिर है ये आर्बिट्ररी फंक्शन को एलिमिनेट करेंगे दोनों कंडीशन की मदद से, तो इसको भी कोई नाम दे दो, टू या थ्री कह दो। दूसरी कंडीशन आपकी फंक्शन पे नहीं है, फंक्शन के डेरिवेटिव है, तो पहले से क्वेश्चन का मुझे यू टी कैलकुलेट करना है डेरिवेटिव ऑफ दिस एक्सप्रेशन। सो डेरिवेटिव ऑफ एक्सप्रेशन विल गिव यू फाइव प्राइम ऑफ एक्स प्लस सी टी, और आर्गूमेंट का डेरिवेटिव कैलकुलेट करूँगा तो पहले का जीरो दूसरे का सी आ जाएगा, सी इधर आ जाएगा,
और इधर आ जाएगा साई प्राइम ऑफ एक्स माइनस सी टी। तो यहाँ ये साई प्राइम ऑफ एक्स माइनस सी टी और इस आर्गुमेंट का कैलकुलेट करूँगा तो ये माइनस सी आएगा, पहले मैंने माइनस लिख लिया तो ये एक्सप्रेशन आ गया है। व्हेन आई डिफरेंशिएट माय जनरल सॉल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू टी, नाउ यूटिलाइज द कंडीशन जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, जी ऑफ एक्स कब लेगा इस एक्सप्रेशन को आप एवेल्यूएट करके टी जीरो पे, टी जीरो पे एवेल्यूएट करते हो उसकी जगह मैं इधर जीरो लिखता हूँ तो जी ऑफ एक्स आ जाता है सी, दोनों में कॉमन, फाई प्राइम ऑफ एक्स माइनस साई प्राइम ऑफ एक्स, तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। ये आपके पास एक दूसरी इक्वेशन आ जाएगी जो फाई साई के डेरिवेटिव की फॉर्म है। अब इन दो इक्वेशन को सिमल्टेनियसली हल करना है, या इसे इंटीग्रेट कर लो डायरेक्ट या इसे डिफरेंशिएट कर लो, एक ही बात है। अगर मैं इसे इंटीग्रेट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो तब भी पॉसिबिलिटी है, मैं डेरिवेटिव ख़त्म कर दूँ फिर एड सब्ट्रैक्ट करके नेक्स्ट पेज पे हम कर लेते हैं। आपके पास एक इक्वेशन क्या है, दोबारा मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ, एक है फाई ऑफ एक्स प्लस साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एंड दूसरी इक्वेशन है सी, सी को डिवाइड कर दो उधर दूसरी तरफ that mean that phi prime of x minus psi prime of x is equal to 1 by c g of x, एक ये है और दूसरी आपके पास ये है। अब इनमें से अब इसको डिफरेंशिएट कर लो या इसे इंटीग्रेट, अगर मैं फॉर एग्जांपल इसे इंटीग्रेट करता हूँ तो क्या होता है, इसको ये आपकी पीएम 3 है इंटीग्रेट फॉर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ डेरिवेटिव आपके ख़त्म हो जाएंगे तो यहाँ वन बाई सी इंटीग्रल जी ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स प्लस सम कांस्टेंट से के वन जी आ गया है फाइन। अब इनमें से ये आपकी फाइव आ गई है, फाइव और फोर को मैं ऐड करता हूँ एडिंग थ्री एंड फाइव, थ्री एंड फाइव के ऐड करता हूँ साई साई कैंसिल आउट हो जाएगा, टू फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वन बाई सी इंटीग्रल जी ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स प्लस के वन। तो यहाँ से मुझे फाइव मिल गया, बुक से हम हट के दूसरी तरफ चले गए हमारा कोई नहीं अपू कर लेंगे, प्लस वन बाई टू सी इंटीग्रल जी ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स प्लस जैसे के बने स्टेरिक कह दो कुछ कह दो टू से जान छड़ा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको ये फाइव की वैल्यू मिली, अब इसको उठा के से कोई एक ये नंबर आप सिक्स कह दो, उठा के ये वैल्यू आप इस थ्री में यूज़ कर लो, यूजिंग सिक्स इंटू थ्री टू गेट, ठीक है वहाँ से ये वैल्यू आपने उधर रखनी है तो आपको साई मिल जाएगा। तो आपका फोकस या फाई साई कैलकुलेट करना था, थ्री आपकी ये थी समझ रहे साई ऑफ एक्स आपको मिल रहा है एफ ऑफ एक्स माइनस फाई ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स एज इट इज, फाई ऑफ एक्स की वैल्यू इधर क्या थी वन बाई टू शायद एफ ऑफ एक्स प्लस वन बाई टू सी इंटीग्रल जी ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स प्लस के वन एस्टेरिक, इन दो टर्म को आपस में ऐड करो, यू विल गेट वैल्यू ऑफ आई ऑफ एक्स टू बी वन बाई टू एफ ऑफ एक्स, ये माइनस आगे मल्टीपल में आता जाएगा वन बाई टू सी इंटीग्रल जी ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स माइनस के माइनस डायरेक्ट। तो दूसरे इक्वेशन से आपने ये कैलकुलेट कर, अब ये दो एक्सप्रेशन आपने उधर यूज करने हैं, सो यूज करने वाले लंबा चौड़ा तो नहीं, तो मेरे पास अब एक फाइव मिल गया एक साई मिल गया। अब यूजुअली जब इंटीग्रल आता है तो इस तरह हम छोड़ते नहीं हैं, उस इंटीग्रल को कोई लिमिट्स लिख देते हैं, जब मैं लिमिट्स लिखते हैं तो मेरे पास फाई क्या था, फाई को मैं देख लूँ, फाई ये है, फाई की वैल्यू थी वन बाई टू एफ ऑफ एक्स प्लस वन बाई टू सी इंटीग्रल जी ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स प्लस के वन स्टेरिक। इसके अगर लिमिट ले लो, और लिमिट यूजुअली हमें जो कंडीशन की बनाती है जिस पॉइंट पे लेते हैं अपन लिमिट आर्बिट्री लेते हैं, जब ये किया तो मेरे पास लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन में भी एक्स आ गया, इधर भी एक्स आ गया, इसको मैंने किसी डबी वेरिएबल से रिप्लेस कर लेता हूँ। सिमिलरली साई ऑफ एक्स
क्या के की पावर क्या लिखी हुई है ये के वन की के स्टेरिक कर दिया ना इधर, जब टू इधर डिवाइड किया था ना, इधर मैंने टू डिवाइड, चलो मैं ऐसे टू को इधर ही रखता हूँ, स्टेरिक नहीं करता तो वो टू इधर आता जाएगा ना, चलो स्टेरिक खत्म कर देता हूँ, टू इधर आता जाएगा, समझ आई है, ये वो टू है, टू के वन बाई टू आ रहा था, से मैंने के स्टेरिक कह दिया, उसी तरह चलो रहने देते हैं। साई इज इक्वल टू वन बाई टू एफ ऑफ एक्स माइनस वन बाई टू सी इंटीग्रल जीरो टू एक्स जी ऑफ जी डी जी माइनस के वन बाई टू, ये एक्सप्रेशन है। अब ये उठा के मैंने किधर पुट करने, अपने जनरल सॉल्यूशन में पुट करने, जनरल सॉल्यूशन मुझे फाई एक्स साई ऑफ एक्स नहीं चाहिए, मुझे फाई ऑफ एक्स प्लस सी टी साई ऑफ एक्स प्लस एक्स माइनस सी टी चाहिए। इसका मतलब पहले एक्सप्रेशन में मैंने एक्स को एक्स प्लस सी टी से रिप्लेस करूंगा, दूसरे एक्सप्रेशन में एक्स को एक्स माइनस सी टी से रिप्लेस करूंगा। सो देयरफॉर फाई ऑफ एक्स प्लस सी टी क्या होगा, वन बाई टू रिप्लेस एक्स विद एक्स प्लस सी टी एफ ऑफ एक्स प्लस सी टी प्लस वन बाई टू सी इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू एक्स प्लस सी टी जी ऑफ जी डी जी प्लस के वन बाई टू, एंड सेकेंड एक्सप्रेशन में आपका जनरल सॉल्यूशन के अंदर साई का आर्गुमेंट एक्स नहीं है, एक्स माइनस सी टी है, लिहाजा एक्स को एक्स माइनस सी टी से रिप्लेस हर जगह कर दें, वन बाई टू एक्स माइनस सी टी ये आ जाएगा माइनस वन बाई टू सी इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू एक्स माइनस सी टी जी ऑफ जी डी जी माइनस के वन बाई टू। तो ये दोनों एक्सप्रेशन उठा के हमने जनरल सॉल्यूशन के अंदर पुट करने हैं। हाँ जी अब बोलो सर, ये इंटीग्रल की लिमिट आर्बिट्रेरी जो है, तो हम इसी को जी ले लें, हम यहाँ पे डमी वेरिएबल चेंज ना करें तो फिर भी तो ठीक है, है तो ठीक है, लेकिन जहाँ ये फिर रिप्लेस करेंगे एक्स एक्स माइनस सी टी, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे ना, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन में वही वेरिएबल लिखना लिखा हुआ हो, और जिस जो इंटीग्रेशन ये वेरिएबल है इसे अब क्या कहते हैं, जो इंटेग्रेंट का इंटेग्रेंट जिस वेरिएबल का फंक्शन, दोनों थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं ना मैथमेटिक्स वाले, कि कन्फ्यूज ना हो, ये और चीज़ है, ये डमी वेरिएबल होता है ना, ये देखो ये बच्चे एफ ऑफ एक्स इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी हो, डी ऑफ एक्स की रिजल्ट आपको सेम मिलता है, ऐसे ही है ना, ये डमी वेरिएबल होता है, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन अगर डिफाइंड हो तो फिर इसको हम चेंज यूजली कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसे मैं एक्स कह देता हूँ, इसे मैं टी कह देता हूँ, इसको मैं इंटीग्रेट करता हूँ, एक्स स्क्वायर बाई टू आता है ए टू बी, इसे मैं इंटीग्रेट करता हूँ टी स्क्वायर बाई टू आता है ए टू बी, दोनों को कैलकुलेट करो वन बाई टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दोनों इधर भी कैलकुलेट करो तो एंड आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये डमी वेरिएबल की वजह से इसे मैंने रिप्लेस कर दिया, फिर मैं जब यहाँ ये करूँगा एक्स को पहले एक्सप्रेशन फाइव वाले में एक्स प्लस सी टी से रिप्लेस करें, तो अंदर वाला जी ऑफ एक्स ना रिप्लेस हो जाए, समझ आई है? यस सर। अब ये उठा के आप इधर रखेंगे दोनों एक्सप्रेशन, और दोनों को जो टर्म्स कंबाइन हो सकती हैं कर लेते हैं हम इसे, तो मुझे एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलेगा एफ ऑफ एक्स, इन दो को मैं आपस में ऐड कर देता हूँ, इकट्ठा लिख देता हूँ, और इंटीग्रल वाली को वन बाई टू कॉमन है, वन बाई टू मैंने कॉमन ले लिया, एक्स प्लस सी टी प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस सी टी, और दूसरे में से इंटैग, अब जब मैं ऐड किया है तो ये दो ऐड करूँगा, जो एडिशन करूँगा एक प्लस के साथ एक माइनस साथ कैंसिल हो, इन दोनों को ऐड करने से पहले मैं इनकी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन भी चेंज कर सकता हूँ, ये माइनस वन से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो लोअर लिमिट अपर बन जाती है, अपर लोअर बन जाती है कैलकुलस, माइनस इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल बी टू ए एफ ऑफ, ये ठीक है रिजल्ट कैलकुलस का, कैलकुलस तीन आप पढ़ के आए हैं फाइन, तो yes. इसको जब मैं यूज करूंगा तो ये मेरी लोअर लिमिट अपर बन जाएगी, ये एक्स माइनस सी टी इधर आ जाएगा, अपर लिमिट मेरी अब जीरो हो जाएगी, ठीक है, अपर जीरो हो जाएगी, तो
फिर मैं ये करूंगा 1/2 सी दोनों में कॉमन आ जाएगा, ये एक्स माइनस सी टी टू जीरो जी ऑफ जी टी जी प्लस जीरो टू जेड स्केलर सम को ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए से आप कुछ भी लिख सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अब इन दो इंटीग्रल को मैंने कंबाइन करना है, वो इजली हो जाएंगे, इंटीग्रल फ्रॉम ए टू सी प्लस इंटीग्रल फ्रॉम सी टू बी शुड बी इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी, ये जिस पे ब्रेक हो रहा है दोनों लिमिट सेम है, एक्स प्लस सी टी प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस सी टी, और इनको मैं कंबाइन करके जब लिखूंगा तो मेरा इंटीग्रल रन करेगा फ्रॉम एक्स माइनस सी टी टू एक्स प्लस सी टी जी आर जी डी जी। तो ये जो मेरा सॉल्यूशन है दैट इज ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन, गॉट दिस सॉल्यूशन एज ए डी अलम्बर्ट सॉल्यूशन, ठीक है, क्योंकि नंबर 24 पे पेज 31 पे। इस तरीके से आप इस तरह के प्रॉब्लम जिनका सोल्यूशन पॉसिबल है, फर्स्ट आप उनको कैनोनिकल फॉर्म में रिड्यूस करते हैं, देन उसका जनरल सोल्यूशन कैलकुलेट करते हैं, फिर जो भी इनिशियल बाउंड्री कंडीशन गिवन हो, यूजुअली इनिशियली होती है, उनको यूज़ करते हुए उन आर्बिट्री फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करके एक पर्टिकुलर सोल्यूशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी हो, अब नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं वो क्या हमें कहती है। हाँ सी आर नहीं आया, अदनान के बिजी होगा, जी आर तो है, कोशिश कर रहे हैं। एग्जाम्पल 3 पे 32 पे देख लेते हैं, ये कर लेंगे या मैं थोड़ी सी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं। अब इसमें आपको सिंपल ये वर्डिंग दी है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एक्स स्क्वायर यू एक्स एक्स प्लस टू एक्स वाई यू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर u by 0 subject to following condition, condition kya hai, initial condition hai u at x ka main mathematical form mein equation likh deta hu x square and partial u by partial y at x comma 1 is equal to 0, ye do initial condition ki hai, y की सिंगल वैल्यू पे है, सब्जेक्ट टू दिस टू इनिशियल कंडीशन यू नीड टू फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो यहाँ अब आपने करना क्या है, एक इक्वेशन को वन को देख लें, दिस इज सम कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन, दो वेरिएबल में पी डी है और एडिशनली आपके कोफिशिएंट वेरिएबल, ऐसे हल करना स्लाइटली सा डिफिकल्ट है इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म। हम ट्राई करेंगे कि इसको कन्वर्ट करें इनटू इट्स कैनोनिकल फॉर्म, तो जब कैनोनिकल फॉर्म में हम इसे कन्वर्ट करते हैं तो वैल्यू ऑफ ए आपके पास एक्स स्क्वायर, वैल्यू ऑफ बी आपके पास टू एक्स वाई, एंड वैल्यू ऑफ सी इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। सो इफ आई कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट तो वो जीरो आ रही है, जब जीरो आ गई इट मीन दैट योर इक्वेशन इज ए पैराबोलिक टाइप, तो आपको कैरेक्टरिस्टिक का इक्वेशन हल करेंगे एक ही सोल्यूशन मिलेगा y by x, तो यहाँ से आपको x by y x solution मिलता है, call this as xi। तो आपने दूसरा eta assume करना है, तो let eta is equal to x, eta पे condition क्या है, assumption of eta should be in such way that eta should be independent of y
एंड मोर अवर जैकोबियन आफ्टर एक्सप्लेनेशन इज जीरो. कांस्टेंट नहीं लेना, कोई एक्स लेना है या वाई ले लेना है, इस तरह सिंपल. अगर यहाँ भी जैकोबियन आफ्टर एक्सप्लेनेशन आपका जीरो आ जाए तो फिर आप उससे एक्स की ओर या वाई की ओर या इस तरह की कॉम्बिनेशन ले सकते हो. लेकिन जितना सिंपलर रखेंगे उतनी ही कैलकुलेशन ईजियर हो जाएंगी. जस्ट आपने ये दो कंडीशनें चेक करनी है. फर्स्ट सिलेक्शन ऑफ ईटा शुड बी सच दैट इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आई एंड जैकोबियन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन शुड बी नॉन जीरो. ये कैलकुलेशन करके आप जब इस इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करते हो, कितनी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन है, तो आप देखेंगे इसकी जो कैनोनिकल फॉर्म है दैट इज मच ईजियर एज कम्पेयर टू दिस वन. सो रिड्यूसिंग वन इंटू द कैनोनिकल फॉर्म, ये पूरे तीन पेजेस की कैलकुलेशन आपने जो दो पेजेस की आपने करनी है. सर हमने जब भी ईटा फाइव अज्यूम करना है तो उसका जैकोबियन चेक करना पड़ेगा हर बार. जैकोबियन चेक करना पड़ेगा वरना तो नहीं पता चलेगा. देखने से तो नहीं पता चलता ना. अगर जैकोबियन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जीरो आ जाता है इट मीन दैट कि आप फिर ईटा से एक्स वाई में वापस नहीं आ सकते. ठीक है, वो देखना पड़ेगा. हर दिस वन इनटू इट्स कैनोनिकल फॉर्म. सर ईटा और एक्स आई की लीनियर इंडिपेंडेंस चेक कर ले. लीनियरली इंडिपेंडेंस इस तरह वो चेक नहीं करने की जरूरत. इंडिपेंडेंट है मीन कि अगर जो भी आपने एक्स आई डिफाइन किया है उसकी कोई पावर ले लें या उसके साथ किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करें तो वो ईटा ना बने. बस वो आसान तरीका है. लीनियर इंडिपेंडेंट चेक करना तो थोड़ा सा वो डिटर रस्किन की मदद से आप करते हैं ना. वो कर भी सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वो एक लंबा प्रोसीजर हो जाएगा. ठीक है, जैकोबियन ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप चेक कर ले जीरो आ जाते हैं इसमें, तो वो लीनियर इंडिपेंडेंट है दोनों. अगर लीनियरली डिपेंडेंट होंगे जैकोबियन ट्रांसफॉर्मेशन जीरो आएगा. समझ आई है? ये वो रास्कियन टाइप की चीज है ना. तो आप ये चेक जैकोबियन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लाजमी चेक करना है. आपकी जो इक्वेशन की फॉर्म बनेगी यू एक्स आई ईटा इज इक्वल टू जीरो, तो ये जो इक्वेशन टू हमारे पास ये बन रही है, तो दैट इज मच समाल इजियर. एक कांस्टेंट कोफिशिएंट है और बहुत एक टर्म वाली है. और ये एक्साई है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, दोनों डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ईटा ईटा. अब इसकी दो दफ़े इंटीग्रेशन करेंगे एक विद रिस्पेक्ट टू एक्साई एंड ईटा एक्साई. तो एक दफ़े इंटीग्रेशन जब हम करते हैं यू ऑफ ईटा शुड बी एनी फंक्शन ऑफ एक्साई आ जाते हैं. दोबारा इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हैं तो यू आपको मिलता है ईटा एफ ऑफ एक्साई प्लस जी ऑफ एक्साई. तो यहाँ आप ओरिजिनल वेरिएबल वापस सब्सिट्यूट कर दें. ईटा की वैल्यू आपने शायद एक्स रखी हुई है, एक्साई की वैल्यू एक्स बाई वाई दी थी जी ऑफ एक्स बाई वाई. तो ये इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन कंटेनिंग टू आर्बिट्रेरी फंक्शन. अब आपने पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग द टू इनिशियल कंडीशन. वो इनिशियल कंडीशन आपको क्या गिवन है? एक कंडीशन आपके पास, अगर मैं रिपीट करता हूँ, u ऑफ x कमा वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड u सब बाई x कमा वन इज इक्वल टू जीरो. तो ये पहली कंडीशन तो डायरेक्ट यूज हो जाएगी. दूसरी कंडीशन आप ये कर लेंगे, मैं थोड़ी सी आगे हल करूँ. स्टूडेंट्स मैं तो इसके अंदर जब आप पुट करते हो u of x comma 1 is equal to x square will give you, इधर आपका x square आ जाएगा, उधर आपका क्या आ जाएगा, y को आपने 1 से रिप्लेस करना है. तो y को जब 1 से रिप्लेस करेंगे तो आपको मिल रहा है x f of x plus g of x. फाइन डिनोमिनेटर में ये था, इस डिनोमिनेटर को y आपका यहाँ 1-1 हो गया, मैंने नहीं लिखा. ठीक है, जिसे आप एक इक्वेशन आपकी ये बन गई है. दूसरी आपका डेरिवेटिव पहले कैलकुलेट करना है. पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई, पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई आपका डेरिवेटिव इस एक्सप्रेशन का कैलकुलेट करेगी. यू विल गेट एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर देयर इनटू एफ प्राइम
एक्स वाई वाई माइनस एक्स वाई वाई स्क्वायर इनटू ये प्राइम एक्स, पहले ये एफ का प्राइम कैलकुलेट लिखेंगे, फिर इसके आर्गुमेंट का ये डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेंगे। फाइन, ये एक्सप्रेशन दोबारा मैं शो करता हूँ, किधर गया, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई कैलकुलेट करना, ये कांस्टेंट है तो इस फंक्शन का इम्प्लिसिट फंक्शन है, एफ प्राइम आ जाएगा, आर्गुमेंट के एक्स बाई वाई स्केयर का विद रिस्पेक्ट वाई करेंगे तो माइनस एक्स बाई वाई स्केयर आएगा, तो वो बाहर आ गया, तो ये एक्स है माइनस एक्स बाई वाई स्केयर बाहर आ गया, तो यहाँ माइनस एक्स स्केयर बाई वाई स्केयर मैंने लिख दिया, इधर जी प्राइम आएगा एक्स बाई वाई और एक्स बाई वाई का डेरिवेटिव माइनस एक्स बाई वाई, तो वो उधर लिखा हुआ है जी। तो यहाँ अब आपने कंडीशन यूज करनी है, यू वाई एक्स कमा वन इज इक्वल टू जीरो विल गिव यू लेफ्ट साइड पे जीरो, तो क्या करेंगे, जस्ट आप वाई को वन से रिप्लेस करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, वाई वन को चला जाता है, एफ ऑफ एक्स आ गया, वाई वन को चला जाता है, माइनस एक्स जी प्राइम, ये भी प्राइम है, ये प्राइम, ये प्राइम, ठीक है, आपके पास ये दो रीजन बन गई, इन दो को आपने सिमल्टेनियसली या इसको डिफरेंशिएट कर लें या इसको इंटीग्रेट कर लें, तो आप दोनों में से कैलकुलेट, जिसको आप हल कर लेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो थोड़ा सा ये लंबा प्रोसेस है, इसको डिफरेंशिएट कर लें, फाइन, ये कर लेंगे, सो सॉल्विंग दीज टू इक्वेशन सिमल्टेनियसली Above equations, x over y नहीं होगा? हाँ? G prime x over y और f prime x over y? नहीं, x और y है, लेकिन मैंने condition use की है y को 1 से replace किया ना, तो ये denominator पर y जहाँ भी है 1 को चले जाएंगे ना, सिर्फ g prime x, ठीक है, इनको हल करके g of x आपके पास minus x square बन जाए है और f of x आपके पास 2x बन है। तो जनरल सोल्यूशन की आपके पास फॉर्म क्या थी, जनरल सोल्यूशन था x f ऑफ x by y प्लस g ऑफ x by y, आपने f और f ऑफ x g ऑफ x की वैल्यू कैलकुलेट की है, तो इसका मतलब है ये आप कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, यहाँ इस एक्सप्रेशन में से x को x by y से रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ से x by y आपको क्या मिलेगा, रिप्लेस x विद x by y, तो यहाँ x by y ये एक्सप्रेशन बन जाए, यहाँ आपको g ऑफ x by y कैसे मिलेगा, रिप्लेस x विद x by y, तो ये उठा के आप इधर लगा दें, 2x square by y square और माइनस नहीं, ये वाइस कर नहीं आएगा, ये डिनोमिनेटर में शायद वाइस कर नहीं बनते, जी का बनते है और 2x है ना, ये 2x है, ये 2x है, तो ये 2x स्क्वायर बाय वाई, ये स्क्वायर नहीं, तो ये x स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर, तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन अंडर दीस टू कंडीशंस, इनमें से x स्क्वायर बाय वाई कॉमन इसने ले लिया, दूसरी चीज In this way you can find the particular solution. जहाँ तक किसी बच्चे का कोई question, कोई query, मैं CR, GR, any other student. Yes, sir. ये आसान पार्ट है, इतना मुश्किल नहीं है। Example 3 को देखें, अब ये पॉसिबिलिटी है कि एक एग्जांपल डिफरेंट पॉइंट पे उसका बिहेवियर डिफरेंट हो, मसलन आपके एग्जांपल जो नेक्स्ट पेज 36 पे गिवन है उसमें वो ट्राइकॉमी इक्वेशन जो है उसका डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू माइनस फोर एक्स स्क्वायर आती है, तो एक्स को जीरो पुट करें तो वो इक्वेशन एक्स एक्सिस पे पैराबोलिक है, एक्स को पॉजिटिव जब लेंगे तो अपर हाफ प्लेन में वो इलिप्टिक बिहेवियर है, एक्स को नेगेटिव लेंगे तो लोअर हाफ आपकी बन जाएगी, थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट बन जाएगा, उसमें वो हाइपरबोलिक है, इसका मतलब है उसका नेचर एक ज़्यादा टाइप का हो सकता है, तो इस तरह के इक्वेशन को जब आप कैनोनिकल फॉर्म कैलकुलेट करते हैं तो उनकी
जितनी टाइप्स की ये बनेंगी जिस रीजन में, उसकी कैनोनिकल फॉर्म इस तरह की बनेगी। इस इक्वेशन को तीन आपने रीजन में फिर हल करना है। एक्स इक्वल टू जीरो के लिए उसकी कैनोनिकल फॉर्म भी डिफरेंट होगी, उसका सोल्यूशन भी पॉसिबल है डिफरेंट हो। एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए उसकी कैनोनिकल फॉर्म एलिप्टिक टाइप होगी, वो डिफरेंट होगी, उसका सोल्यूशन भी डिफरेंट होगा। एक्स लेस देन जीरो के लिए उसकी कैनोनिकल फॉर्म भी डिफरेंट होगी। तो इसके तीन आगे सब केसेस बनेंगे इस इक्वेशन की, मिक्स टाइप है। अब ये दो तीन एग्जाम्पल्स ने करके इस चैप्टर को वाइंड अप कर दिया। पेज नंबर 38 से लेकर आगे एक्सरसाइज के तौर पे कुछ क्वेश्चन मैंने कहीं से फोटो कॉपी पर आगे इधर लगा दिए थे, 47 तक जो हो सकते हैं पॉसिबल आप उनमें से हल करते हैं। कुछ एग्जाम्पल में जस्ट आपने गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को इट्स कैनोनिकल फॉर्म में रिड्यूस करना है, और कुछ के पॉसिबल है। 38 से 47 तक ये चैप्टर आपका तकरीबन खत्म हो गया। ठीक है, और किसी बच्चे का क्वेश्चन सी आर है ही नहीं है, ये बताएं और कोई मैं या कोई और स्टूडेंट या जी हाँ, ये मिड टर्म या सेशनल वगैरह कब देना है? अगले वीक में देना है कोई, जो से अगले में सर जब आप बोलने ओके एमएससी वाले जो बच्चे हैं जा रहे ये कोर्स वो भी पढ़ रहे हैं, उनका मैं कोई 26 को उन्होंने डिसाइड किया, हमने 26 की अब टाइमिंग नहीं मुझे पता कितने बजे है, 26 को बन रहा है मंडे। मंडे को आप हैं बीएस 6 वाले हैं ना, पहले दूसरी क्लास है, तीसरी चौथी फ्री है, तो कहीं तीसरी चौथी में कहीं रख दें छोटा सा। जी सर ठीक है, वो फिर एमएससी वालों से आप लोगों से कोऑर्डिनेट करके सीआर से तो फिर टाइमिंग डिसाइड कर लेंगे। पासे वाले हम 2 बजे या इवनिंग में ही रखें कि किसी बच्चे का कोई क्लैश ना आए। ठीक है सर। सर इवनिंग में इंटरनेट का थोड़ा इशू होता है, तो आप पॉसिबल हो तो इसी टाइम दिन में कहीं रख लीजिएगा। दिन में पहली 2 आपकी क्लास